हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विंडोज़ 8.1 वर्ज़न है जो वो आप कैसे एक पेन ड्राइव की मदद से अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं तो उस पर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको F11 की कीबोर्ड में से प्रेस करनी है। इसके बाद आपका जो बूट मेन्यू है वो खुल जाएगा। तो ये जो कीज़ होती हैं F11, F12, F10, ये अलग अलग होती है हर एक प्रोसेसर और पीसी के हिसाब से। तो मेरे पीसी में F11 थी, मैंने वो प्रेस की। अभी आपको जैसे कि मैंने पेन ड्राइव से अपनी विंडो को इंस्टॉल करना है, अब आपको एरो की मदद से USB पर जाना है। जैसे कि ये मेरी USB है, इस पर जाकर अभी मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी की दबा देनी है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो बूट डिवाइस है वो हमारा पीसी रीड कर रहा है और हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल होने के लिए तैयार है हमारी USB में से। तो अब हम उसे इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़ा वेट करना होगा हमको यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो विंडो 8 का सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारी जो भी हमारे पार्टीशन है, जो हमारे CD, E डिस्क हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ से देखना होगा कि हमारी जो विंडो है वो किस में इंस्टॉल थी और उसी को फॉर्मेट करना है। अदरवाइज़ आप इनमें से किसी भी और को फॉर्मेट करेंगे तो वो सारी की सारी रेज हो जाएगी, आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो भी जा सकता है। तो आपको यहाँ से ध्यान से जो आपकी सी डिस्क है उसको ही आपको फॉर्मेट करना है। तो जैसे कि मेरी सी डिस्क इसमें से 48 GB वाली है, तो अभी मैं इसे फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इसे सेलेक्ट कर फॉर्मेट पर क्लिक कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो डिस्क है, जो टोटल साइज और फ्री स्पेस है, तो ये पूरी की पूरी हमारी डिवाइस है जो रेज हो चुकी है। तो अब मैं इसी में अपनी विंडो को इंस्टॉल करूँगा। तो इसे सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारी की सारी फाइलें जो हमारी है इंस्टॉल होंगी, उसके बाद हमारी विंडो चलेगी। तो आपका जो PC है वो 2-3 बार रिस्टार्ट होएगा, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक जो हमारा विंडो इंस्टॉलेशन का है वो पार्ट ही है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको जो भी उसके थीम वगैरह सेट करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने PC का नेम देना होगा, कोई भी दे सकते हैं आप। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यूज़र नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डालना होगा। तो अभी आपकी जो विंडो है वो चल रही है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो सक्सेसफुली जो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करने हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप विंडोज़ 8.1 को अपने PC में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।